जयपुर, जिसे भारत के पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इस खूबसूरत से शहर ने भारत के सुनहरे संस्कृति और इतिहास को अपने अंदर समेट रखा है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर क्यों राजस्थान का ये कैपिटल सिटी बड़े संख्या में भारतीयों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करते रहा है। हेलो, नमस्कार, खम्मागणी, स्वागत है आप सबका राजस्थान की कैपिटल पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर में। मैं हूं अभिषेक और आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं जयपुर सिटी की सैर। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग आ गए हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। इसे यहाँ पर सेंट्रल म्यूजियम या केंद्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम है। तो चलिए हम लोग म्यूजियम के अंदर चलते हैं और देखते हैं हमें क्या के अंदर देखने को मिलता है। ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग इस जगह अपने प्री वेडिंग शूट्स करवाने आते हैं एंड वाकई ये एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन है। पता है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड की 1976 विजिट पे उनके नाम पे रखा गया था, जो कि बाद में किंग एडवर्ड 7 ऑफ इंग्लैंड भी बने। तो चलिए हम लोग लेते हैं टिकट और चलते हैं म्यूजियम के अंदर। लेकिन उससे पहले आप एक टिप ले लो, अगर आप जयपुर के डिफरेंट अट्रैक्शंस घूमने वाले हो तो आपके लिए कॉम्पोजिट टिकट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होगा, जिसमें ये सारे मॉन्यूमेंट्स कवर हो जाएंगे। और इस टिकट की वैलिडिटी भी 2 दिनों की होती है। कॉम्पोजिट टिकट के चार्जेस होते हैं इंडियन के लिए 427 रुपीज, इंडियन स्टूडेंट के लिए 112 रुपीज, फॉर फॉरिनर्स इट इज 1102 रुपीज एंड फॉर फॉरिनर स्टूडेंट इट इज 552 रुपीज। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिविजुअल टिकट अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के लिए फॉर इंडियंस इट इज 52 रुपीज, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इट इज 22 रुपीज, फॉर फॉरनर टूरिस्ट इट इज 302 रुपीज एंड फॉर फॉरनर स्टूडेंट्स इट इज 152 रुपीज। कॉम्पोजिट टिकट इस जगह पे अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मुझे इंडिविजुअल टिकट लेना पड़ा। यहाँ पर पहले इस बिल्डिंग को एक टाउन हॉल बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन माधव सिंह सेकंड जी ने इससे जयपुर के आर्ट को शोकेस करने के लिए इसे म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया। Well, let's go inside the museum. म्यूजियम में एंटर करते ही सबसे पहले आप देख सकते हो जयपुर के सभी महाराजाओं की पेंटिंग बनवाई हुई है। वेल, सबसे पहले हम एंटर करते हैं कारपेट गैलरी में। यहाँ पर हमें पुराने समय में यूज होने वाले सारे कारपेट्स देखने को मिलते हैं। इस जगह पे आपको पर्शियन, मुगल और इंडियन स्टाइल में कारपेट्स देखने को मिलेंगे, जिसका अंदाजा आप इनके ऊपर बने हुए डिजाइनों को देखकर लगा सकते हो। आप अभी जो कालीन देख रहे हो ये है एक ईरानी कालीन। इस जगह पे अनेक जगहों से अलग अलग कारपेट्स लाए गए हैं, जिनके बारे में आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। इसके बाद आपको कुछ पेंटिंग्स के साथ ही आपको कई पुराने जमाने के आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखकर आपको उस समय की झलकियों को महसूस कर सकते हैं। एंड ये सारे आर्टिफैक्ट्स वर्ल्ड के डिफरेंट जगहों जैसे रोम, पर्शिया, इटली, ब्रिटेन और भी अलग अलग प्लेसेस से लाए गए हैं। नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन को पढ़कर आप इसके सोर्सेज और यूजेज को भी समझ सकते हैं। ये है बुद्ध नेपाल। भगवान बुद्ध का ये स्टैचू नेपाल से लाया गया है। इसके बाद हम एंटर करते हैं मूर्ति दीर्घा में। यहाँ पर आपको बहुत सारे एंटिक स्टोन कार्व्ड स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ तो 4th सेंचुरी तक के हैं। ये है 4th सेंचुरी की वाराणसी से लाई गई यक्षिणी की मूर्ति एंड ये है 10th सेंचुरी की सांभर जयपुर से लाई वीणाधर शिव की मूर्ति। ये है भगवान शिव की उदयपुर से लाई 8th सेंचुरी की मूर्ति। ये दौसा से 8th सेंचुरी की लाई मां महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है एंड ये है चाक्सू से लाई 5th सेंचुरी की लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर ढेर सारी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। इन मूर्तियों को देखकर एक बात तो समझ में आ रहा है कि पहले सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि उनकी विशेषताओं और गुणों को भी मूर्तियों के रूप में चित्रित किया जाता था। वेल, उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं शस्त्रागार में। इस जगह पे आपको पुराने समय के अनेक वेपन्स, तलवार, गन्स और आर्मर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि एक मॉडल रखा हुआ है कि कैसे सैनिक युद्ध के समय तैयार हुआ करते थे।
ये हैं कुछ अलग अलग जगहों से लाए तलवारों के हैंडल्स, ये हैं कुछ टाइगर नाइफ्स। यहां पर आपको डिफरेंट जगहों से लाए अनेक खंजर भी देखने को मिलेंगे। ये है कुछ युद्धों में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट्स, एंड इन शस्त्रों का इस्तेमाल युद्धों में होने वाले हेलमेट्स को ब्रेक करने के लिए किया जाता था। वेपन सेक्शन के बाद आपको फिर से कुछ बहुत ही खूबसूरत से बर्तन और आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे, एंड ये इतने सुंदर हैं कि एक बार तो मैं सोचने लगा कि काश ये मेरे घर पर होता। खैर, यहाँ पर आपको कुछ बड़े बड़े से सील्स देखने को मिलेंगे, एंड अगर आप ध्यान से इनके ऊपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर हमारे रामायण और महाभारत के सीन्स इन कार्व किए हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आपको पुराने कॉइन्स और ड्रेसेस के सेक्शन भी देखने को मिलेगी। एंड उसके बगल में ही है पगड़ियों की गैलरी। अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग पगड़ी स्टाइल को इस जगह पर डिपिक्ट किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ढेर सारे पुराने जमाने के वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने को मिलेगा। एंड वेल, यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं कि सबको दिखाना संभव है ही नहीं, लेकिन तभी मुझे कुछ स्ट्रेंज चीज दिखाई देती है। म्यूजियम में ही प्रेजेंट है एक मम्मी। ये एक तूतू नामक इजिप्शियन महिला की 322 BC की प्रिजर्व्ड मम्मी है। आश्चर्य की बात तो ये एक्सरे है जो कि 2011 में इस मम्मी के ऊपर किया गया था, मतलब हजारों सालों में इसकी बॉडी बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुई है। वेल, कुछ लोग तो यहाँ आने में डर भी रहे थे। इसके बाद मैं पहुंचा ज्वेलरी सेक्शन में, एंड यहाँ पर मुझे सोने, चांदी, आइवरी मतलब हाथी के दांतों से बने हुए कई ज्वेलरीज देखने को मिलती हैं। वेल, इसके साथ ही अल्बर्ट हॉल म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है आइसरलेट और सर्कसुली टावर। तो चलिए पहले हम लोग लेते हैं इस जगह का टिकट और एंटर करते हैं इस टावर नुमा स्ट्रक्चर में। एंट्री टिकट फॉर फॉरेनर टूरिस्ट इज 205 रुपीज, फॉर इंडियन टूरिस्ट इट इज 55 रुपीज, फॉर फॉरेनर स्टूडेंट इट इज 30 रुपीज, एंड फॉर इंडियन स्टूडेंट इट इज 25 रुपीज। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह टू के मृत्यु के बाद उनके बेटे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह की जीत हुई, तो उन्होंने इसकी याद में ही इस 140 फीट ऊंचे इस टावर का निर्माण करवाया, जिसमें हम बने हुए रैंप के सहारे टॉप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप जयपुर आने की सोच रहे हैं तो आप चलने की और चढ़ने की आदत बना करके आए, नहीं तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो कि मेरा हाल हो रखा है। एंड टावर के टॉप से तो जयपुर सिटी की बहुत ही शानदार सी व्यू दिखती है। साथ ही यहाँ से आप जयपुर के वेरियस मॉन्यूमेंट्स को भी देख सकते हैं। ये है नाहरगढ़ फोर्ट, इस जगह को भी हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जयपुर आया और हवा महल नहीं देखा तो क्या ही देखा। इसे यहाँ पे पैलेस ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्यों, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है जयपुर का मोस्ट फेमस हवा महल। अगर आप जयपुर सर्च भी करोगे तो आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा, एंड दिखे भी क्यों ना, ये है ही इतना खूबसूरत। रेड और पिंक सैंडस्टोन में बना ये हवा महल 1799 में सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था, हु वाज द सन ऑफ सवाई माधो सिंह एंड ग्रैंडसन ऑफ सवाई जयसिंह टू। ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा इमारत है जिसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो यू विल सी कि ये हवा महल भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान डिजाइंड है। बाहर से तो इसे हमने देख लिया, चलिए अब हम लोग लेते हैं टिकट एंड लेट्स सी हवा महल अंदर से कैसा दिखता है। बात करें अगर टिकट प्राइस की तो इट इज 52 रुपीज फॉर इंडियन टूरिस्ट एंड 202 फॉर फॉरेनर टूरिस्ट। बाकी के प्राइस डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। साथ ही आप इस जगह पे गवर्नमेंट रेट पे गाइड भी ले सकते हो, जिसके प्राइस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वेल, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है आनंद पोली गेट, जहाँ से हम एंटर करने वाले हैं हवा महल के ग्राउंड फ्लोर की ओर। हवा महल के ग्राउंड फ्लोर पे दो कोर्टयार्ड्स हैं, एक आता है जस्ट आफ्टर पासिंग आनंद पोली गेट, एंड जस्ट इसके सामने आप देख सकते हो चंद्रपोली गेट, जिसपे आप देख सकते हो 5 deities जो कि हैं गणेशा, विष्णु, लक्ष्मी, शिवा एंड कल्कि। एंड इसे पास करते ही हम पहुंच जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द कोर्टयार्ड में। सेकेंड कोर्टयार्ड में एक तरफ है स्टडी एरिया और दूसरी तरफ है डाइनिंग एरिया। क्योंकि इस कोर्टयार्ड में शरद पूर्णिमा की फेस्टिविटीज की जाती थी, इसीलिए इसे शरद मंदिर भी कहते हैं।
हवा महल में ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियों के बजाय रैंप्स देखने को मिलेंगे, सो दैट राजपूत रानियों की पालकियों को इजीली ऊपर ले जाया जा सके। सेकेंड फ्लोर हियर इज कॉल्ड रतन मंदिर। रतन का मतलब होता है प्रीशियस स्टोन्स, एंड यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत से पेंटेड ग्लासेस देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड रतन मंदिर। हवा महल में टोटल 953 झरोखे बने हुए हैं, जिनमें से राजपूत रानियां शहर में होने वाले रोजाना की गतिविधियों और त्योहारों को देखा करती थीं। थर्ड फ्लोर इज कॉल्ड विचित्र मंदिर। इस फ्लोर का नाम विचित्र मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि इसके दरवाजे हमेशा बंद रहा करते थे, और ये मंजिल सवाई प्रताप सिंह जी का पर्सनल स्पेस था। कहते थे वो भगवान श्री कृष्ण को इतना समर्पित थे कि वो इस जगह पर बंद दरवाजे के पीछे समय बिताया करते, कविताएं रचते हैं और उनके भजन आदि गाया करते थे। फोर्थ फ्लोर इज कॉल्ड प्रकाश मंदिर। प्रकाश मींस लाइट, एंड आप इस जगह पर देख सकते हो कि ये फ्लोर दोनों ओर से खुले टेरेस से बना हुआ है, एंड इसलिए इसे प्रकाश मंदिर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल राजा और राजकुमारियां सर्दियों में सन बाथ लेने के लिए किया करते थे। फिफ्थ फ्लोर इज कॉल्ड हवा मंदिर। हवा मींस विंड, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ हवा महल। हाइट पे होने के कारण ही इसे हवा मंदिर भी कहते हैं, एंड इसके नाम पर ही इसका नाम हवा महल या फिर पैलेस ऑफ विंड्स भी पड़ा है। हवा महल के ग्राउंड फ्लोर पे आपको कुछ मूर्तियां देखने को मिलेंगी जो कि देश के अलग अलग जगहों से लाई गई हैं। हवा महल जितना खूबसूरत दिन के समय लगता है, उतना ही रात में आर्टिफिशियल लाइट्स इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। वेल, अगर आप चाहो तो हवा महल के सामने कुछ कैफेज भी बने हुए हैं, जहां पर आप फूड के साथ ही कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हो। हवा महल के बगल में ही आपको ढेर सारे शॉपिंग के ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। यहां की सभी दुकानें आपको गुलाबी रंगों में रंगी हुई दिखेंगी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई जयपुर इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। वेल, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन व्हिच इज जंतर मंतर। टिकट प्राइस फॉर फॉरेनर्स इज 202 रुपीज, फॉर इंडियन टूरिस्ट इट इज 52 रुपीज, एंड फॉर स्टूडेंट्स इट इज 102 and 22 रेस्पेक्टिवली। कॉम्पोजिट टिकट इज ऑलवेज बेटर, नहीं तो आपको कई जगहों पर लाइन का सामना करना पड़ सकता है। हवा महल से लगभग 700-800 मीटर चलकर हम लोग पहुंच गए हैं जंतर मंतर। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी। आप मेरे पीछे कई इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे होंगे, इन सब का यूज करके सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन को देखकर टाइम का कैलकुलेशन किया जाता था। जंतर मींस मशीन एंड मंतर्स मींस कैलकुलेटिंग, जिसका मतलब होता है मशीन विच कैलकुलेट थिंग्स। तो ये कहानी है 17th सेंचुरी की, जब सभी राजा युद्धों में व्यस्त रहा करते थे। उस समय सवाई जयसिंह जी 2 का फोकस था साइंस के ऊपर। द किंग वाज पैशनेट अबाउट मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। उन्होंने अलग अलग जगहों से रिसर्चर्स बुलाए एंड रिसर्च अबाउट द पैटर्न इन द सेलेस्टियल बॉडी। उन्होंने पूरे इंडिया में 5 जंतर मंत्रों का निर्माण करवाया, जिसमें से जयपुर का जंतर मंत्र इज द लार्जेस्ट वन। इन सारे उपकरणों के मदद से डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडीज, इक्लिप्सेस एंड लोकेशन ऑफ कॉन्स्टेलेशन भी प्रिडिक्ट किया जाता था। इस जगह पे आपको सभी राशियों के लिए डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, एंड इनकी मदद से ही कुंडली और राशिफल निकाला जाता था। ये है एक सन डायल। पहले के समय में सन और उसके शैडो के पोजीशन के अकॉर्डिंग ही टाइम का कैलकुलेशन किया जाता था। अभी मैं थोड़ा सा नीचे आया था इंस्ट्रूमेंट के पास, एंड अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक सेकंड, आप यहाँ पर देख सकते हो सारी कैलिब्रेशन की हुई है। अब इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, बट अगर आप टाइम एंड स्पेस में इंटरेस्टेड हो तो दिस इज द प्लेस फॉर यू। आप यहाँ पर आएं, एक गाइड लें, वो आपको अच्छे से सारे इंस्ट्रूमेंट को समझा देंगे। गाइड रेट ऑफ जंतर मंतर फॉर 1 to 4 पीपल इज 400 रुपीज, फॉर 5 to 15 पीपल इज 600 रुपीज, एंड 16 to 35 पीपल इज 1000 रुपीज। तो जंतर मंतर के जस्ट सामने ही है सिटी पैलेस। जब सवाई जय सिंह जी ने जयपुर की स्थापना की तो उन्होंने इसी जगह को अपना निवास स्थान बनाया था। तो चलिए हम लोग लेते हैं टिकट और चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर। एंट्री टिकट फॉर म्यूजियम पार्ट इज 300 रुपीज फॉर इंडियंस एंड 150 फॉर चाइल्ड और स्टूडेंट्स। वेयर एज फॉर फॉरेनर्स इट इज 700 and 400 रेस्पेक्टिवली, जिसमें आप पैलेस के कुछ पार्ट्स को ही एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू कैन टेक रॉयल टूर आल्सो, जिसका प्राइस 1500 रुपीज एज ऑफ नाउ फॉर इंडियंस है। टिकट प्राइसेज आपको यहाँ थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, बिकॉज ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे गवर्नमेंट के बजाय जयपुर की रॉयल फैमिली ओन कर दी है,
इसलिए ही इस जगह पे आपका कॉम्पोजिट टिकट भी वैलिड नहीं होगा। सिटी पैलेस में एंटर करते ही हमें सबसे पहले देखने को मिलता है मुबारक महल। पुराने टाइम पे महाराजाओं के पास आने वाले गेस्ट इस जगह पर ही ठहरा करते थे। इसको हम स्वागत कक्ष या फिर गेस्ट हाउस भी कह सकते हैं। ये बिल्डिंग 3 शैलियों में निर्मित है, ऊपर वाला यूरोपियन शैली, बीच वाला मुगल शैली और नीचे वाला हिंदू शैली। 1959 में इसे एक टेक्सटाइल गैलरी के रूप में बदल दिया गया था। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर एंड लेट्स सी हमें अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो अभी अभी हम लोग मुबारक महल से निकले, यहाँ पर हमें ढेर सारे राजाओं के कपड़े देखने को मिले, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉयल कपड़े। और साथ में यहाँ पर मैंने देखा कि कई राजा यहाँ पर पोलो के बहुत शौकीन थे। वहाँ पर बहुत सारे कप्स रखे हुए हैं, साथ में पोलो ड्रेस भी रखे हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ढेर सारे कारपेट्स, पश्मीना सॉल्स और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं था तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। चलिए अब हम चलते हैं किसी नेक्स्ट सेक्शन में। चलिए अब हम लोग सिटी पैलेस घूम ही रहे हैं तो यहाँ की रॉयल फैमिली के बारे में भी जान लेते हैं। ये है वर्तमान में जयपुर के राजा सवाई पद्मनाभ सिंह, जो कि एक मॉडल और प्रोफेशनल पोलो प्लेयर भी हैं। ये है उनकी माता दिया कुमारी जी, जो कि वर्तमान समय में राजस्थान की डिप्टी सीएम भी हैं। ये है राजमाता पद्मिनी देवी जी। ये है राजा की बहन गौरवी कुमारी जी, जो कि एक फैशनल मॉडल के साथ ही दिया कुमारी फाउंडेशन के लिए काम भी करती हैं। साथ में है उनके दूसरे भाई लक्षराज प्रकाश सिंह, जिन्हें हिमाचल के कुछ पार्ट्स को सौंपा गया है। जयपुर के शासक खुद को भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंश से बताते हैं, इसीलिए इन्हें कछवाहा राजपूत भी कहा जाता है। ये है एक जेनोलॉजिकल ट्री, जिसमें देखकर आप समझ सकते हो कि कैसे सक्सेशन राजा मान सिंह से करंट राजा तक पास हुई है। पहले के युद्ध व्यूह रचना बनाकर की जाती थी, ये चित्र उसी को दर्शा रही है। तो अभी हम लोग सिलहर खाना से निकले। सिलहर खाना एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्मरी। अंदर आप जाओगे तो आपको इतने सारे मतलब वेपन्स देखने को मिलेंगे, आर्म्स देखने को मिलेंगे कि मतलब आप चकाचौंध हो जाओगे। ढेर सारे बंदूक, पिस्टल्स, राइफल्स के साथ साथ ढेर सारे मतलब तलवार, बोज एंड एरोज ढेर सारे देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं था। ठीक है चलिए हम चलते हैं किसी नेक्स्ट स्टॉप पर। राजेंद्र पोल गेट से एंट्री करके अब हम लोग पहुंच गए हैं सर्वतोभद्र में। इसे हम दीवाने खास भी कह सकते हैं। राजा अपने विशेष मंत्रियों के साथ इस जगह पर बैठकर मंत्रणा किया करते थे। नॉर्मल लोगों की इस जगह पर नो एंट्री थी। साथ ही इस जगह पर आज भी राज तिलक, गणगौर और तीज जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। इस जगह पर कई मूवीज की शूटिंग और फैशन शोज भी होती ही रहती है। खैर ये है वो चीज जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघलाकर बनाया गया ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्तन को गंगा जली कहते हैं। जब राजा माधव सिंह टू इंग्लैंड गए तो उन्होंने इसी कंटेनर में गंगा के जल को अपने साथ ले गए थे एंड वो केवल इस गंगा जल का ही सेवन किया करते थे। इन दोनों गंगा जलियों का हाइट 5'3" एंड वजन 345 kg ईच है। आई वॉज थिंकिंग पानी भर कर इसे ले कैसे गए होंगे। Now let's go to our next gallery, which is प्रीतम निवास चौक, जिसके रास्ते में आपको दिखेंगे जयपुर के राजाओं की पेंटिंग्स। प्रीतम निवास चौक एक कोर्ट यार्ड हुआ करता था, जिसमें चार बहुत ही खूबसूरत से गेट्स बने हुए थे जो कि चार डिफरेंट सीजन्स को डिपिक्ट करते थे। पीकॉक गेट डिपिक्ट्स रेनी सीजन, लोटस गेट डिपिक्ट्स समर सीजन, ग्रीन गेट डिपिक्ट्स स्प्रिंग सीजन एंड रोज गेट डिपिक्ट्स विंटर सीजन। एंड प्रीतम निवास चौक के बगल में ही है चंद्रमहल, जहां आज भी रॉयल फैमिली रहती है। हमें तो इस जगह पर अलाउड नहीं था, बट अगर आप रॉयल टूर लेते हैं तो आप इस 7 मंजिले चंद्रमहल के कुछ पार्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनीवेज हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट गैलरी में, जो कि है सभा निवास। ये एक दीवाने आम हुआ करता था, जहां पर राजा का दरबार लगा करता था। अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है, पर जैसा आप लोगों ने मूवीज में देखा है, एक राज सिंहासन होता है और मंत्रियों की कुर्सियां लगी होती हैं, बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा। साथ में यहां कुछ फोटोग्राफ्स भी लगाए हुए हैं, जिनमें इंग्लैंड के डेलीगेट्स की इंडिया विजिट को डिपिक्ट किया हुआ है। वेल इसके बाद हम लोग निकल गए गोविंद देव जी मंदिर की ओर। अगर आप लोगों ने मेरी वृंदावन वाली वीडियो देखी है तो आप इनके इतिहास से परिचित ही होंगे। रूप गोस्वामी जी के भजन और तप के कारण गोविंद देव जी का प्रकट्य हुआ था। अगर हम लोग गोविंद देव जी मंदिर की हिस्ट्री की बात करें तो आमेर के राजा मान सिंह ने 1590 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उस टाइम ये मंदिर 7 मंजिला था और अभी ये सिर्फ 3 मंजिला ही है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि मुगल राजा औरंगजेब ने गद्दी के लिए अपने पिता शाहजहां को आगरा की जेल में नजरबंद कर दिया था। वो कभी कभी आगरा उनसे मिलने जाया करता। एक दिन रात को उसने दूर से आती हुई एक रोशनी देखी। अपने लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा, काफिरों का एक मंदिर है गोविंद देव जी के नाम से, ये प्रकाश वहीं से आती है।
कहते हैं मंदिर के ऊपर रखे हुए दिए में 50 किलो घी हर दिन डाली जाती थी। ईर्ष्यावश औरंगजेब ने मंदिर के विध्वंस करने का आदेश दे दिया, लेकिन औरंगजेब के यहाँ आने से पहले ही भगवान ने पुजारी जी को सपना दे दिया कि औरंगजेब यहाँ आएगा, मंदिर को विध्वंस करवाएगा। तो यहाँ से गोविंद देव जी को जयपुर ले जाया गया। अभी भी जयपुर में हवा महल के पास गोविंद देव जी विराजमान हैं। तो उस समय ही वहाँ के पुजारियों ने ठाकुर जी के श्री विग्रह को लेकर जयपुर आ गए और सवाई राजा जयसिंह जी ने इसे यहाँ पर स्थापित कर दिया। आज भी गोविंद देव जी का जयपुर के लोगों में बहुत आस्था है एंड इस जगह का भक्तिमय वातावरण तो आप इस जगह पर आकर के ही महसूस कर सकते हो। गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करके हम पहुंच गए जल महल। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, जल महल का निर्माण भी सवाई जयसिंह टू ने अपनी रानी के साथ कुछ खास पल बिताने के लिए किया था। और ये जल महल टोटल 5 मंजिला है जिसमें 2 मंजिल पानी के ऊपर और 3 मंजिल पानी के अंदर है। आम आदमियों के लिए इसकी एंट्री अब बंद कर दी गई है, सो हम इसे इसी जगह से देख सकते हैं। पहले आप बोट के सहारे इस महल तक जा करके महल को अंदर से देख सकते थे। दिन में इस जगह पर अच्छा खासा मार्केट भी होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट थे इसलिए मार्केट इस समय उठ रहा था। तो इस जगह पर हम लोगों ने राजस्थानी ड्रेस पहनकर, पगड़ी लेकर, तलवार लेकर कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए और निकल पड़े अपने रूम की ओर। The next day, डे 2 पे मैं पहुंच जाता हूँ राजस्थान के सबसे बड़े मॉल में, वर्ल्ड ट्रेड पार्क। पहुंचा तो पता चला कि इस जगह पे एनिमल मूवी लगी हुई है। फिर क्या, मैंने ले ली टिकट और मूवी तो मस्त थी। खैर थोड़ी देर मॉल एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल जाता हूँ जयपुर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टाग्रामेबल लोकेशन विच इज पत्रिका गेट। तो अभी हम लोग आ गए पत्रिका गेट। इसका हिस्टोरिकली ऐसे तो बहुत ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ये जयपुर का मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस है। सो अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो फोटो यहाँ जरूर क्लिक करवाएं। चलिए हम लोग चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ नज़ारे। प्री वेडिंग शूट्स के लिए ढेरों लोग इस जगह को चूज करते हैं। इनफैक्ट फोटोग्राफी के लिए ही ये एक बेस्ट स्पॉट है। हम तो यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गए थे, बट आई विल सजेस्ट आप इस जगह पर दिन में आओ। तो इसके साथ ही हम लोग करते हैं अपने जयपुर सीरीज को एंड। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।